विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ विंटर कार्निवल को चुनने के लिए ऑडिशन करवाने के लिए निकला काफिला छोटी मंडी काशी पहुंचा। वल्लभ कॉलेज मंडी के ऑडिटोरियम में ऑडिशन करवाए गए, जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय विंटर कार्निवल 2019 का आयोजन मनाली से 2 से 6 जनवरी तक किया जाएगा। इस दौरान विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवल का चयन किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले चंडीगढ़ में ऑडिशन करवाए गए थे और उसके बाद शिमला में, अब मंडी में ऑडिशन करवाए गए हैं। अब इसके अंतिम ऑडिशन 14 दिसंबर को मनाली में होंगे। विंटर कार्निवल आयोजन समिति के सदस्य महेश चंद्र ने बताया कि इस बार विंटर क्वीन को 1,00,000 नगद और अन्य इनाम, जबकि वॉइस ऑफ कार्निवल को 50,000 नगद और अन्य इनाम दिए जाएंगे। वहीं मंडी में प्रतिभागियों को परखने आई ज्यूरी को भी यहां की प्रतिभा ने दुविधा में डाल दिया। एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं देखने को मिली और जज ये सोचने पर मजबूर हो गए कि किसे छोड़ें और किसे सिलेक्ट किया जाए। ज्यूरी मेंबर ने बताया कि इस तरह की मंच से उन छुपी हुई प्रतिभाओं को सामने आने का मौका मिलता है जो किन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ पाती है। वहीं ऑडिशन देने आए प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतिभागी सुबह से ही कतारों में लगकर अपना पंजीकरण करवाते हुए नजर आए और उसके बाद अपनी बारी आने पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और इसमें मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि विंटर कार्निवल कमेटी ने जो प्राइज मनी भी इस बार काफी अच्छी रखी है, जो विंटर कार्निवल में विंटर क्वीन प्रतियोगिता की जो विजेता रहेगी उन्हें 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार विंटर कार्निवल कमेटी के द्वारा प्रदान किया जाएगा और दूसरी ओर वॉइस ऑफ कार्निवल का जो विजेता जो रहेगा उन्हें 50,000 रुपए की नगद राशि प्रथम पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। काफी अच्छा कॉम्पिटिशन होने वाला ऐसा हम लोगों को लगता है। ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इस किस्म के एक्टिविटी से ही। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग, ऐसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट या कोई नॉन स्टूडेंट भी, इवन मैंने देखता हूं जो बेचारे दूसरे प्रोफेशन में लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन मौका होता है जो अपनी प्रतिभा को दिखाएं और लोगों के सामने आए। हिमाचल में बहुत सारा टैलेंट है और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी उसी मंच से, मनुरंगशाला से, विंटर कार्निवल से ही निकला था। 2010 की बात है, ऐसे ही गाने के कंपटीशन में मैंने वहां पे हिस्सा लिया था और उसके बाद से खूबसूरत जिंदगी हम देख रहे हैं। बहुत सारे मैंने टीवी रियलिटी शोज किए हैं जिसकी वजह से आज मुझे इस प्रतिस्पर्धा में एज अ जज आने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिनाले में इसमें रैंप वॉक रहेगी लड़कियों के लिए और उनका टैलेंट रहेगा, टैलेंट उनको अपना शो करना पड़ेगा प्रॉपरली, एंड इंटरव्यूज होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स राउंड होते हैं और एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना अपना टैलेंट शो करने का। बी कॉन्फिडेंट, बी योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड चेज योर ड्रीम्स। अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, उन्हें जरूर पूरा कीजिए। प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें इससे अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच मिला है जो शायद उन्हें कभी नहीं मिल पाता। वहीं प्रतिभागियों को इस ऑडिशन से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। विंटर कार्निवल बहुत पहले से चलता आ रहा है और काफी अच्छा लेवल है विंटर कार्निवल का। इसमें अंकुश भारद्वाज जैसा अभी आप इंडियन आइडल में देख सकते हैं, वो भी 2015 में शायद विनर रहे हैं वॉइस ऑफ कार्निवल के, और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप अच्छे से करते हो तो आप अच्छा कर सकते हो आगे फ्यूचर में अपने। मैंने फर्स्ट टाइम जब ऑडिशन दिया था तब तो मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी, अब सेकेंड टाइम दे रही हूँ, अब पता नहीं। तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिलता है, अगर सिलेक्ट भी ना हुए हम तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम जैसे लोगों के लिए जिसके पास फैमिली बैकग्राउंड इस प्रोफेशन से नहीं है, तो हम जैसे लोगों को प्रतिभा दिखाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसकी वजह से हम बहुत सारा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं और आपको ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। विंटर कार्निवल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जितनी भी हम लड़कियां हैं सबको मतलब मौका मिल रहा है अपने खुद को प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सबसे नए नए लोगों से, और फ्रेंडशिप इतनी अच्छी लग रही है और कम्युनिकेट इतना अच्छा बन रहा है क्योंकि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।